सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तरुण के व्लॉग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है। सो गाइस, आ चुका है इंडिया के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर आपको ये न्यूज मिल चुकी है और इसके बारे में पूरी तरह डिटेल नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर पूरा एंड तक देखिएगा। मैं पहले ही बताता हूँ ये वीडियो किस किस के लिए है। अगर आप उसमें से अलग कैटेगरी में आते हो तो इस वीडियो को आप जरूर स्किप कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट है तो इस वीडियो को जरूर पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप पेरेंट है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि बच्चों के लिए क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट्स आ चुके हैं। और अगर आप अपनी स्टडीज को पूरा कर चुके हैं सो तभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप ये फील कर सके कि क्या ऐसी वो चीजें हैं जो आपके टाइम पे नहीं थी और इस टाइम पे वो आ चुकी हैं। अगर वो हमारे टाइम पे होती सो आज जिंदगी की कहानी कुछ और ही होती। जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हमारे टाइम पे थी वो अब शायद नहीं है। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या क्या नए नए पॉलिसी चेंजेस हुए हैं। सो लेट्स गो। So guys, सबसे पहला जो बदलाव यहाँ पे आया है वो आया है 10+2 अब नहीं रहा। Yes, दोस्तों 10+2 से मतलब कि 10 के बाद में 12th की मार्कशीट जो होती थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती थी हमारी लाइफ में, क्योंकि सारी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब्स इस पे निर्भर होती थी। सो अब यहाँ पे 10+2 हट चुका है, यानी कि अब जो नई पॉलिसी आई है वो नई पॉलिसी के तहत जो इंपॉर्टेंट है वो है 5+3+3+4। यस दोस्तों, तो इनको बांटा गया है अब चार कैटेगरी में। सो चार कैटेगरी में जो आता है वो आता है 5th तक अगर कोई बच्चा है तो उसे कंसिडर किया जाएगा प्री स्कूल की तरह। यस, और 5th से 8th तक अगर कोई बच्चा है सो उसे कंसिडर किया जाएगा मिड स्कूल की तरह। और अगर 8th से लेकर 11th तक कोई है सो उसे कंसिडर किया जाएगा हाई स्कूल की तरह। और आफ्टर 11th यानी कि 12th से कंसिडर किया जाएगा उसे ग्रेजुएशन की तरह। जी हाँ दोस्तों, सो ग्रेजुएशन में यहाँ पे 12th के बाद में ही अब आपका ग्रेजुएशन शुरू हो जाएगा। सो हमारे टाइम पे ये होता था कि 11th के बाद में ही हम लोग हमारा कोर्स डिसाइड कर सकते थे कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। लेकिन 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 यहाँ पे नई पॉलिसी के अंदर 8th क्लास के बाद में ही बच्चे अपना सब्जेक्ट खुद चुन सकेंगे कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। सो यहाँ पे डिग्री के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंजेस आया है। जैसे कि कई सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा पहले भी कि वो अपनी स्टडीज जब वो स्टार्ट करते थे, यानी कि जब वो कॉलेज जाते थे, बहुत से लोगों की पढ़ाई कॉलेज में ही छूट जाया करती थी। कोई फर्स्ट ईयर करने के बाद छोड़ देता था, कोई सेकंड ईयर के बाद, कोई फाइनल ईयर के बाद। दोस्तों यहाँ पे उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है जो अब स्टडी कर रहे हैं, कि अगर आप कभी फर्स्ट ईयर में ही छोड़ देते हैं किसी कारणवश, हो सकता है किसी की कंडीशन कुछ ऐसी हो, कभी फाइनेंशियल हो जाता है, कभी जिम्मेदारी आती, कुछ भी हो सकता है। सो अगर आप फर्स्ट ईयर में ही छोड़ देते हैं सो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, आपका वो साल वेस्ट नहीं जाएगा। और अगर आप कर लेते हैं सेकंड ईयर भी कंप्लीट सो आपको सेकंड ईयर मिलेगा डिप्लोमा, थर्ड ईयर में मिलता है आपको डिग्री। सो यहाँ पे 3 साल में ही आपको ये डिग्री मिल जाएगी। और कोई भी अगर हाई एजुकेशन भी होगा सो आपको 4 साल का एक मिनिमम टाइम पीरियड यहाँ पे फिलहाल के लिए डिसाइड किया गया है। सो गाइस, 5th क्लास तक की अगर बात करें सो प्री स्कूल में जो बच्चे होंगे उनके लिए यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि उनको खेल कूद यानी कि हंसते खेलते अब चीजों को सिखाया जाएगा। यानी कि जो बर्डन बच्चों के ऊपर डाला जाता था, पढ़ लो, एग्जाम आ रहा है, कॉम्पिटिशन है, ये है वो, बहुत सारे प्रेशर होते थे, सो यहाँ अब वो प्रेशर नहीं होगा। यहाँ पे बच्चों को 5th तक खेल कूद तरीके से सिखाया जाएगा। और 6th से अगर बच्चों की बात करें तो यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज अब अवेलेबल होने लग जाएंगे बच्चों के लिए। और 8th क्लास से बच्चे जो होंगे वो अपना सब्जेक्ट खुद चुन सकेंगे कि उन्हें केमिस्ट्री के साथ साथ में उन्हें और भी कोई सब्जेक्ट अगर लेना हो तो वो ले सकते हैं। और एक और यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट ये भी है कि यहाँ पे अब बच्चे अपने आर्ट फील्ड को भी डेवलप कर सकेंगे। यानी कि अगर कोई चाहता है कि वो साइंस के साथ साथ में वो म्यूजिक को भी ऐड करना चाहता है या डांस को भी ऐड करना चाहता है सो वो अपने सब्जेक्ट में उसको ऐड कर सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। और सबसे अच्छी बात यहाँ ये लगी कि पहली बार बीइंग अ कोरियोग्राफर आज बहुत गर्व हो रहा है इस चीज को लेके, कि अब यहाँ पे स्कूलों में आर्ट्स को लेके भी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी अब बढ़ रही है। और इस एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद में आर्ट फील्ड को भी एक बहुत अच्छे तरह से स्कूल में सिखाया जाएगा, यानी उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, किसी भी तरह का आर्ट हो, बच्चों के अंदर उसे निखारा जाएगा। और यहाँ पे छोटे बच्चों से यानी कि 6th क्लास से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के दौर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि छोटे बच्चों को कोडिंग करना आए, कंप्यूटर से रिलेटेड जो नॉलेज है बच्चों को वो ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि आगे जाने के बाद में
सभी जगह पे ये बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन जैसे हो रहा है, सभी बच्चों के लिए कंप्यूटर सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और साथ अगर उनको कोडिंग आ जाएगी सो खुद की एप्स, वेबसाइट, इन तरह की चीजों को वो डेवलप कर पाएंगे। सो गाइस, स्कूलों के अब जो एग्जाम्स होंगे बच्चों के, वो बच्चों के होंगे अब सेमेस्टर वाइज। जी हाँ दोस्तों, सेमेस्टर में ये फायदा होगा कि यहाँ पे अब वो उनको फाइनल एग्जाम का वेट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे दो सेमेस्टर में अपने एग्जाम को दे सके, जिस तरह से कॉलेजेस में होता है। सो यहाँ पे एक और बहुत अच्छी न्यूज ये भी है कि जो बच्चे सोचते हैं कि वो पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ काम भी करना चाहे, क्योंकि कई बार कंडीशन ऐसी बन जाती है कि उन्हें काम भी करना पड़ता है पढ़ने के साथ साथ, और कभी कोई सोचता है कि उसे ब्रेक लेना है थोड़े टाइम का और बाद में वो चाहे तो स्टडी को वापस कंटिन्यू कर सकता है, सो यहाँ पे अब उनके लिए फैसिलिटी भी है कि वो थोड़े टाइम का ब्रेक लेके वापस से उसको वहीं से स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है, एक क्रेडिट फैसिलिटी की तरह दी जाएगी। इस बारे में और भी डिटेल अभी आना बाकी है, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो ये है। और यहाँ पे जो सोच रहे हैं टीचर बनने का, सो टीचर्स बनने के लिए भी यहाँ पे अब क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब वेल ट्रेन टीचर्स को अपॉइंट ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा, जिन्हें अच्छा खासा नॉलेज होगा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, या फिर उन्हें दी जाएगी अच्छी खासी ट्रेनिंग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, ताकि बच्चों को जब पढ़ाए तब उनके अंदर वो भरपूर तरीके से नॉलेज होना चाहिए और वो ट्रेंड हो जाए किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने में और बच्चों को नॉलेज देने में। और गाइस, इसके अंदर साथ ही साथ में यहाँ पे अलग से गवर्नमेंट ने अलग से एक पूरा मंत्रालय इसके लिए बनाया है, जहाँ पे स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा एजुकेशन सिस्टम को कि किस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम को काम करना चाहिए आगे फर्दर, और इसे कंटिन्यू रन करने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट होगा जो प्राइवेट गवर्नमेंट सभी स्कूलों के ऊपर वो नजर रखेंगे और किस तरह से उन्हें हेल्दी तरीके से रन करना है। सो गाइस, फिलहाल के लिए इन्फॉर्मेशन में इतना ही, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन है और जो धीरे धीरे हमें अपडेट होती जाएंगी। सो होपफुली गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्द से जल्द लोगों में शेयर कीजिए और बताइए उनको कि क्या क्या अपडेशन हमारे इंडियन एजुकेशन पॉलिसी के अंदर यहाँ पे आए हैं, और उन्हें बताइए कि हमारे यहाँ पे इंडियन एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या क्या नए चेंजेस आए हैं जो शायद उन्हें पता ना हो। सो इस वीडियो को जल्द से लोगों में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए इस गुड न्यूज के बारे में। सो तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दिस इज तरुण पुरोहित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।